फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लुक्स एंड फ्लेवर्स। सफेद बालों को काला करने के लिए हम कई चीजें इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग डाई का यूज करते हैं, कुछ लोग कलर करते हैं, लेकिन बालों को काला रंग देने के लिए मेहंदी से बेस्ट तरीका कोई नहीं है। अब आप सोचेंगे कि मेहंदी से तो ब्राउन कलर मिलता है और मैं ब्लैक कलर की बात कर रही हूँ। तो आज हम मेहंदी बनाते समय कुछ ऐसी चीजें ऐड करेंगे जिससे आपके बालों को मेहंदी का ब्राउन कलर नहीं बल्कि डार्क ब्लैक कलर मिलेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही यूजफुल वीडियोज के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम मेहंदी को भिगोने के लिए पानी तैयार करेंगे और इसके लिए मैंने एक लोहे की कढ़ाई ले ली है। इसमें ऐड करेंगे लगभग 1.5 कप पानी। तो इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स हम ऐड करेंगे। सबसे पहली चीज इसमें जो ऐड करनी है वो है मेथी दाना। 2 चम्मच इसमें हम मेथी दाना ऐड करेंगे। मेथी दाना आपके बालों की ड्राइनेस फ्रिजीनेस को खत्म करता है और साथ ही आपके हेयर फॉल को भी कंट्रोल करता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट आपको इसमें जो ऐड करना है वो है कलौंजी। 1 चम्मच इसमें हम कलौंजी ऐड करेंगे। मेथी दाना की तरह ही कलौंजी भी आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करती है, बालों को नेचुरली ब्लैक करती है। कलौंजी के बाद 3rd इंग्रेडिएंट जो आपको इसमें ऐड करना है वो है सूखा आंवला। तो यहाँ पर मैं मुट्ठी भर सूखा आंवला इसमें ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास आंवला पाउडर है तो आप 2 चम्मच आंवला पाउडर इसमें ऐड करिए। अगली चीज जो आपको इसमें ऐड करनी है वो है शिकाकाई। तो यहाँ पर मैं 7 से 8 दाने साबुत शिकाकाई के इसमें ऐड कर रही हूँ। आप इसमें शिकाकाई पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। आंवला और शिकाकाई दोनों ही बालों की अच्छी हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इनमें विटामिन सी होता है जो कि बालों की अच्छी ग्रोथ के लिए हेल्प करता है, आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करता है, बालों की ड्राइनेस को खत्म करता है और साथ ही दोनों चीजें आपके बालों के नेचुरल ब्लैक कलर को रिटेन करके रखती हैं। इसके बाद अगली चीज जो हमें इसमें ऐड करनी है वो है चाय पत्ती। तो इसमें हम 2 चम्मच चाय पत्ती ऐड कर रहे हैं। चाय पत्ती आपके बालों को अच्छी चमक देती है, बालों की ड्राइनेस फ्रिजीनेस को खत्म करती है और साथ ही बालों को नेचुरली ब्लैक भी करती है। तो अब इन सभी चीजों को डाल के पानी को बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे और कम से कम 15 से 20 मिनट तक आप इसको लो फ्लेम पर बॉईल करिए। तब तक इसे बॉईल करना है जब तक ये पानी रिड्यूस होकर आधी क्वांटिटी में रह जाए और ये सभी चीजें इस पानी में अपना कलर छोड़ दें। तो मैंने इस पानी को 15 से 20 मिनट तक बॉईल किया है। तो आप देख सकते हैं कि सभी इंग्रेडिएंट्स पानी में अच्छे तरीके से इन्फ्यूज हो चुके हैं और सभी चीजों ने अपना बहुत ही अच्छा कलर छोड़ा है इसमें। तो अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और पानी को छान लेंगे। तो इस तरह से हमारा ये पानी बनकर के तैयार हो गया है। अब सेकेंड स्टेप में हम मेहंदी को भिगोएंगे। मैंने यहाँ पर सेम लोहे की कढ़ाई ले ली है मेहंदी को भिगोने के लिए। इसमें आपको ऐड करना है अपनी हेयर लेंथ के हिसाब से मेहंदी पाउडर। कोई भी अच्छे ब्रांड की हर्बल मेहंदी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इसमें 2 बड़े चम्मच के करीब मेहंदी पाउडर ऐड किया है अपने बालों की लेंथ के हिसाब से। अब इसमें हम कुछ और चीजें ऐड करेंगे। पहली चीज जो आपको इसमें ऐड करनी है वो है ब्राह्मी पाउडर। ब्राह्मी पाउडर आपको किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर पर आराम से मिल जाएगा। ब्राह्मी पाउडर आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करता है, ये आपके बालों को मजबूत करता है, आपकी स्कैल्प को नरिशमेंट देता है और स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है और आपके बालों के कालेपन को बना के रखता है। इसके बाद आपको इसमें ऐड करना है 1 बड़ा चम्मच आंवला पाउडर। आंवला हमने पानी तैयार करते समय भी इसमें ऐड किया था और यहाँ पर भी आपको 1 बड़ा चम्मच आंवला पाउडर इसमें ऐड करना है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 बड़ा चम्मच कॉफी पाउडर। आप कोई भी अच्छे ब्रांड की कॉफी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर नेस्कैफे ऐड किया है। कॉफी भी मेहंदी के कलर को डार्क करती है, उसको गहरा रंग देती है। इसके बाद एक चीज आपको इसमें और ऐड करनी है जो कि मेहंदी के कलर को एनहांस करती है और उसके कलर को ब्लैक करती है और वो है नीलगिरी का तेल यानी यूकलिप्टस ऑयल। नीलगिरी का तेल आपको किसी भी केमिस्ट शॉप पे आराम से मिल जाएगा। आपको इसमें 1 चम्मच यूकलिप्टस ऑयल ऐड करना है और अगर आपको नीलगिरी का तेल नहीं मिलता है तो इसकी जगह आप सरसों का तेल भी ऐड कर सकते हैं। अगली चीज जो आपको इसमें ऐड करनी है वो है 3 बड़े चम्मच दही। दही आपके बालों की ड्राइनेस फ्रिजीनेस को खत्म करती है और बालों को बहुत अच्छी चमक देती है। इससे मेहंदी लगाने के बाद भी आपके बालों में ड्राइनेस नहीं आएगी और साथ ही आपका हेयर फॉल भी कंट्रोल होगा। तो अब हमने जो पानी तैयार किया है धीरे धीरे पानी इसमें मिलाते जाएंगे और एक स्मूथ पेस्ट तैयार कर लेंगे। ध्यान रहे कि पेस्ट में लम्स नहीं होने चाहिए और एक स्मूथ पेस्ट आपको बना करके तैयार करना है।
तो आप देख सकते हैं कि मैंने मेहंदी का पेस्ट रेडी कर लिया है। अब इसको हम ओवरनाइट के लिए इसी तरह से एक लोहे की कड़ाही में छोड़ देंगे। नेक्स्ट डे इसके कलर को चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि अगले दिन मेहंदी जो है वो अच्छे तरीके से चिकनी हो गई है और इसका कलर भी बहुत ही बढ़िया आया है। हमारा मेहंदी पैक बनकर के तैयार है। इसको आप अपने पूरे बालों में ब्रश की हेल्प से अप्लाई करिए। आपके सफेद बाल जहां पर है अच्छे से इसको लगा लीजिए। पूरे बालों में लगाने के बाद में जूड़ा बना करके इसको 3 घंटे के लिए छोड़ दें और 3 घंटे के बाद में आपको नॉर्मल पानी से हेयर वॉश करना है। सेम डे बालों में शैम्पू नहीं करें, शैम्पू 1 से 2 दिन छोड़ कर ही करें बालों में। इससे मेहंदी का रंग जो है वो गहरा हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप मेहंदी को बना करके लगाते हैं तो मेहंदी से आपको बहुत ही अच्छा ब्लैक कलर मिलता है और कम से कम 2 से 3 महीने तक आपको मेहंदी या फिर डाई लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई होप गाइज आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।